रजीम, अच्छा लगा आपको दुआएं पढ़ के इनशा के। ताला अच्छी रिवीजन होगी सबकी चलिए इनशा अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर सभी जो है वो हर रोज इसी तरह फिर क्लास से फिफ्टीन मिनट्स पहले आप सबसे दुआएं सुना करेंगी हर रोज की जो दुआ होगी हम इनशाला जहाँ पे स्टॉप होगा वहीं से कंटिन्यू कर लिया करेंगे ताकि आपकी दोहराई भी होती रहे और फिर इनशाला आपको याद हो जाए क्योंकि दुआएं जो है ना वो इसी तरह याद होती है जितना ज्यादा आप इनको सुनेंगे उतनी ज्यादा आपको जल्दी याद होंगी दूसरों को सुनाए भी सुने भी ये चीजें आपको हेल्प करेंगी इंशाल्लाह रिटेंशन में ना चलिए बस एक मिनट दीजिए रसुल करीम अम्माबाद फौज रजीम बिस्मान رب اشرح لي صدري وييسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اهدي قلبي وسدد لساني وصلح سقيمة قلبي امين ثم امين الله आज हमारी दुआ नंबर ट्वेल्व है अल्हम्दुलिल्लाह चले अपनी नियतें अल्लाह के लिए खालिस करते हैं अल्लाह ताला हमारी नियतों को अपने लिए खालिस रखे और जितना भी वक्त हम इन दुआओं को सीखने में लगाएं, अल्लाह सुबह उस वक्त को निवाजिल्ला कबूल फरमाए आमीन चलिए हमारी जो ये क्लास है ये सेशन है ये बेस करता है कुरान मजीद की साहित पे वह इजाजा का इबादी अन्नी फनी करीब उजीब दावत इजादा आन फलियस्तूली वलूबी लाल शुदून अल्लाह की सिफ़त है अलमुजीब यानी अल्लाह या तला दुआओं को कबूल करता है तो यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह दुआ को कबूल करता है फिर लाचार की पुकार को कबूल करता है शदीद मोहताज जब उसे पुकारता है तो उसकी मदद करता है अपने बंदों से तकलीफों को दूर करता है अपने महबूबों से मुसीबतों मसीब, को रफा करता है सारी मखलूकत उसकी मोहताज है और फिर सूर्य रहमान में भी हमने जैसे कुरानी मजीद में आता है यस उसी से मांगना है जो कुछ आसमानों और जमीन में है हर दिन वो एक नई शान में है यानी बंदे तो मांग मांग के थक जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला कभी भी देने से नहीं थकता यानी अल्लाह ताला के खजाने इतने वसी हैं बस हमें मांगने वाला बनना है और उसके आगे खुशबू से और दिल जोई से और दिल की पूरी जिसको आप कह सकते हैं कि पूरी तवज्जो से अल्लाह से दुआएं मांगनी फिर आप देखें कि अपने बंदों की पुकार अच्छी तरह कबूल करने वाला है अल्लाह सुबह जैसे कुरान मजीद में आता है वलकद नादाना फलन मुजीबून और बिला शुबा नू आम ने हमें पुकारा तो यकीन हम अच्छे कबूल करने वाले यानी नू सलाम की को अल्लाह ने जैसे उनको निजात दी उनकी सारी कौम डूब गई थी ना फरमान लोग थे और अल्लाह सुबहान तला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और फिर दुआ को कबूल करना अल्लाह का वादा है लकुम अन इबादती सैयद जहन्न मदाखिल और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकबर करते अनकरीब जलील होकर में होंगे दुआ की अहमियत के बारे में हदीस की अल्लाह ताला अपने नाफरमानों की भी दुआ सुनता है आप देखें अल्लाह तला की कितनी रहमत है हम पे कि हम गुना करते हैं गलतियां करते हैं सुस्ती करते हैं कमी कोताही करते हैं लेकिन वो फिर भी हमारी दुआओं को कबूल करता है रसूल वसल्लम ने फरमाया मजलूम की दुआ कबूल की जाती है अगर से वो गुनहगार ही हो बस उसका गुनाह उसके नफ्स पर है यानी अगर कोई दिल से मांगता है और कोई बहुत मुस्तरब है परेशान है और वो अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह फिर उस वक्त ये नहीं होगा कि अल्लाह ताला ये देखे कि ये बंदा कितना गुनागार है अल्लाह ताला अपने उस बंदे की पुकार को सुनते हैं यहाँ पे आप देखें यह भी पता चलता है कि गैर मुस्लिम की भी दुआ कबूल होती है अगर वो मजलूम हो तो, तो ना तो हमें अपने किसी मुसलमान पे जुल्म करना चाहिए और ना ही नॉन मुस्लिम पे क्योंकि अल्लाह ताला हर एक की दुआएं सुनता है चाहे कोई उसकी इबादत करता है चाहे कोई नहीं करता क्योंकि फिर वो क्यामत के दिन सेपरेट हो जाएंगे ना अल्लाह ताला अपनी सिफत रहमत की वजह से हर एक को देगा दुनिया में जब तक क्यामत नहीं आती चाहे कोई उसकी अतात करता है कोई नहीं करता लेकिन क्यामत के दिन फिर सारे सेपरेट हो जाएंगे और अल्लाह आपकी रहमत क़ियामत के दिन सिर्फ ईमान वालों के लिए होगी फिर इसी तरह सुफियान सॉरी एक हमारे असलाफ में से हैं वो कहते हैं कि ए वो ज़ात जिसको अपने तमाम बंदों में से वो इंसान सबसे ज्यादा महबूब है जो उससे मांगे और कसरत से मांगे ए वो ज़ात जिसको अपने तमाम बंदों में से वो इंसान जो सबसे ज्यादा नापसंद है वो जो उससे ना मांगे और तेरे सिवा कोई भी ऐसा नहीं है मेरे रब इबन कसीर में उनका कॉल आया तो आप देखें कि यहाँ पे क्या पता चलता है कि अल्लाह को वो शख्स महबूब है जो कसरत से दुआएं मांगे यानी आप देखें कि आप अगर सारा दिन भी दुआएं मांगे सौ दो सौ हजार, हजार दो हजार दस हजार तो अल्लाह ताला को खुशी होती है अल्लाह को ये बात पसंद है कि बंदा अल्लाह से मांगे और फिर अल्लाह को क्या बात ना पसंद है कि बंदा उससे ना मांगे दुआ की कबूलियत और जवाब के दर्जे हम पढ़े थे इसमें हमने जैसे ये हदीस है मेनली जो हम पढ़ रहे हैं तो कभी अल्लाह मांगी भी चीज अता कर देते हैं कौन सी मिसाल कल हमने पढ़ी थी कि जैसी दुआ मांगी वैसी कबूल होगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह ताला ने बेटा अता किया और फिर आप देखें इसी तरह यहा सॉरी जक्रिया सलाम को यही सलाम अता किए दूसरा क्या होता है कि कभी अल्लाह तला मांगी हुई चीज़ से बेहतर अता करता है जैसे कुरानी मजीद में ये जो दलील आती है कि जो मरियम सलाम की वालदा थी उन्होंने बेटा मांगा था लेकिन अल्लाह ने उनको क्या दिया था बेटी और फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह को पता है कि बेटी पैदा हुई है और वो लई सजा करू कल उन और लड़का जो है वो लड़की की तरह नहीं हो सकता यानी जो अल्लाह ताला ने काम मरियम से लेना था वो लड़की नहीं लड़का नहीं कर सकता था तो इसलिए बाज दफ़ा हमें वैसी जैसे आप देखें कितना ज्यादा पाकिस्तान वगैरह और हमारे खासतौर पर कल्चर में बहुत ज्यादा है कि लड़का होना चाहिए लड़का होना चाहिए इतना ज्यादा औरतों पे प्रेशर डाला जाता है और फिर मैंने खुद मुझे याद है हमारे नेबर में कोई रहती थी और उनकी पहले चार बेटियां थी ना जब फिफ्थ टाइम वो प्रेगनेंट हुई तो उनकी बेटी हुई पांचवी दफा भी तो हम जब हॉस्पिटल गए तो वो रो रही थी और देखा भी नहीं बच्ची को यानी इतना ज्यादा प्रेशर के पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा हालांकि आप देखें जी जहालत हालत एग्जैक्टली तो बाज और आखिर में आप देखें कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते ना तो उनको संभालता कौन है फिर कौन काम आता है उनके दुख दर्द में साथ होता है यानी इतना ज्यादा बेटे बेटे होता है लेकिन यह है कि आखिर में तो बेटियां ही काम आती है ना और वो माँ बाप हर हर अपना दुख दर्द अपनी बेटियों को बताते लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि एक शान बना ली हालांकि लड़के भी अल्लाह देता है और लड़कियां भी अल्लाह देता है तो इसलिए अगर कोई बेटे की दुआएं मांगता रहा और मैंने देखा कि हमारे बुजुर्ग भी ज़... इसी तरह थे मुझे याद है कि हमारी फैमिली में इसी तरह कोई प्रेगनेंट थी तो उनको जो भी आता था उनको कहते थे अल्लाह आपको औलाद नरीना अता करे यानी लड़का अता करे तो यानी बेटी की दुआ भी नहीं देते यानी ये नहीं कहते कि नेक और साल अल्लाह औलाद अता करे दुआ भी ऐसी तो इसलिए आप देखें कि अगर आपने बेटा मांग रहे थे बेटी होगी तो इसी में अल्लाह ताला की मसलहत है और अगर बेटी मांग रहे थे बेटा हो गया तो इसमें भी अल्लाह की मसलियत है और अल्लाह को पता है कि क्या कौन जो मादा है या कौन जो फीमेल है वो क्या पैदा करती फिर इसी तरह एक और दुआ की कबूलियत की शक्ल क्या है कि कभी मांगी हुई चीज को आखिरत में जखीरा कर लेता है और जखीरा कैसे होगा नेकियों की सूरत में और, और हदीस इसको मजीद कैसे करती है कि क्यामत के दिन जब इंसान यानी देखेगा उसके अमाल नामे में बहुत सारी नेकिया तो वो पूछेगा कि ये तो नेकियां मैंने नहीं की तो फिर अल्लाह ताला से कहेंगे कि ये तुम्हारी वो दुआएं हैं जो कबूल नहीं हुई तो उस वक्त इंसान ये ख्वाहिश करेगा कि काश मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती फिर आ, कल जो हमने दुआ पढ़ी थी ना उसमें किसी ने मुझसे पूछा था कि आफिया का मतलब बता दे तो इनशाला मैं वो है क्लास से जिन्होंने पूछा था अल्लाह करे वो क्लास जिन्होंने कहा था कि वह तहबुल्ली आफिया थी कल लेकिन चले नहीं है तो रिकॉर्डिंग में सुन ली आप देखिए कि जब हम अल्लाह से हैं ना कि अल्लाह अपनी आफियत में हमें रख या आफियत ताफरमा और तेरी आफियत ना बदले तो इसका मतलब है कि अगर आप हर आजमाइश से बच जाते हैं तो आप आफियत में हैं अगर आप सेहतमंद हैं तो आप आफियत में हैं अगर आपके पास माल है रिस्क आप है आप आफियत में हैं अगर आप जिंदा हैं आप आफियत में हैं अगर आपकी है आप आफियत में हैं और आप और आपकी औलाद और आपके घर वाले हर तरह की परेशानी से महफूज हैं तो आप आफियत में हैं अगर अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ कर दे और आपको सजा न दे तो आप आफियत में हैं तो लिहाजा आफियत का मतलब है कि दीन दुनिया आखरत की तमाम आजमाइशों और परेशानियों से हिफाजत पीस आप कह सकते यानी पीसफुल सिचुएशन और वो पीसफुल सिचुएशन सिर्फ वे नहीं कि दिल में बल्कि हर चीज में पूरी ओवरऑल आपकी लाइफ जो है ना बहुत कंटेंटमेंट और बहुत कम्फर्ट में है चलिए आज की दुआ शुरू करते हैं आज बस थोड़ा सा कुछ मेरी स्लाइड्स के साथ मसला हुआ है कि जो हदीस वाली स्लाइड है वो सेव नहीं हुई है इसमें ना वो मैं कोशिश कर रही थी लेकिन फिर क्लास का टाइम ऊपर जा रहा था तो मैंने कहा मैं आपको हदीस पढ़ के इनशाला सुना दूंगी आज हमारी इंशाल्लाह दुआ नंबर ट्वेल्व है इन्नी मिन 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 एला मैं तेरी पनाह चाहता हूं अपने कान की बुराई से आँख की बुराई से, ज़बान की बुराई से, दिल की बुराई से और शहवत की बुराई से और ये ना रेफरेंस इसका है सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1551 ये रेफरेंस असल में कुछ हद स्लाइड्स के साथ मसला हुआ है इस दुआ में हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं अल्लाह ने जो नेमतें और सलाहियतें दी हैं उनके शर से बचने की इस्तताअत मांगेंगे ये इस दुआ में अच्छा इसके बारे में जो हदीस आती है वो ये है कि शकल बिन हुद बिन हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लम मुझे कोई दुआ सिखा दीजिए आप वसल्लम ने फरमाया कहो बिका मिन बसरी ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيحي तो आप देखें कि इस दुआ में हम अल्लाह ताला से अब हमारी हमें जो अल्लाह ताला, ताला ने फैकल्टीज दी है ना उन सब से उनके शर से पनाह मांग रहे। ठीक है चले इसको वन बाय वन देखते अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अल्लाह बेशक मैं आपकी पनाह मांगता हूँ मिन शर्र समई अपने कान के शर से अब कानों का शर्क क्या है आप देखें जैसे मसलन कानों से ऐसी बातें सुनना जो हराम है जो गलत है जैसे गाने सुनना याबत सुनना झूठ सुनना किसी की ख्यात किसी के साथ धोखे में इन्वॉल्व होना यानी उसकी प्लॉटिंग का हिस्सा बनना तो सारी चीजें कानों से हम सुनते हैं ना तो जब हम अल्लाह कहते हैं कि शर ई तो इसका मतलब है कि अल्लाह जो भी बुराइयां कानों से होती उससे मुझे महफूज रखना एक और जो ना कानों का शहर है जो बहुत डेंजरस है ये तो आप देखें कि ओपन सी बुराइयां है ना हम सबको पता है कि ये बुरी चीजें हैं लेकिन एक और शहर जो बहुत जिसको आप कहें कि डेंजरस है वो कौन सा है कि हम अच्छी बात सुन के उसमें से गलत चीज निकालें होते हैं ना ऐसे लोग यानी एक पे अच्छी सी बात होती है कोई हदीस होती है कोई कुरान की आयत होती है वो उसका उल्टा मीनिंग ले लेते हैं और फिर वो उसको कुछ का कुछ बना देते तो इस दुआ में हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं? कि अल्लाह मुझे अपने इस समात और अपने कानों के शर से महफूज रखना यानी मेरे कान अच्छी बात सुने अच्छा कलाम सुने और ऐसी कामों ऐसे कामों में इस्तेमाल हों जो अल्लाह ताला की रजा के हैं फिर देखें वो मिनशर बसरी और आंखों की बुराई से अब आंखों की बुराई क्या है कि जैसे मसलन हराम देखना अब आप देखें जैसे मसलन एक चीज में आपको छोटी सी एग्जाम्पल क्योंकि मैंने भी ये सीखी बात हम अनकॉन्शियसली ऐसे करते हैं हम लोग ना उसा पढ़ा रही थी मेरा जीना मरना बुक पढ़ा रही थी तो उसमें ना उन्होंने फर्श तो राब वाली नशीद आपने सुनी होगी ना तो वो नशीद लगी तो यंग सा लड़का था तो सारी यंग लड़कियां थी जो क्लास में थी तालीम कुरान की क्लास थी तो सब ने ना देखना शुरू कर दिया ना तो ने कहा गजे बसर करें तो मुझे वो इतना अच्छा लगा उस वक्त कि बात हम भूल जाते हैं कि ये जो नशीद पढ़ रहे मुसलमान हैं या जो तलावत रिकारी हैं या जो स्कॉलर स्पीच दे रहे हैं वो हमारे नामहरम है हमें उनको घूर घूर के नहीं देखना चाहिए कि हम उस सब फैसिनेट हो रहे हो कि इन्होंने सूट कितना अच्छा पहना है ये कितने है ये कितने यंग हैं ये ऐसे हैं ये वैसे हैं और फिर आप देखें इस तरह फिर बाद में एक्सप्लेन भी करना हाँ वो बड़ा बड़े अच्छे स्कॉलर है यंग सा लड़का है तो ये असल में ना आंखों का शर है जिससे हमें अल्लाह लता, ताला महफूज रखे तो इसलिए अब आप सोचें ना हमें हम कभी रियलाइज करते हैं कि हमने गजे बसर हमें करना चाहिए था वीडियोज देखते हुए तो उसके बाद से अल्हमद अब जब भी मैं कोई वीडियो ऐसे किसी स्कॉलर का सुनती हूँ मेल स्कॉलर का या कोई नशीत ऐसी अच्छी सी हो तो हमेशा उसको मिनिमाइज करके सिर्फ आवाज सुनती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे उस ताज़ा की बात पसंद आई फिर इसी तरह एक और आ, हमारी स्टूडेंट थी तो वो कहती है कि मुझे ना हिफ्स करने में बहुत मुश्किल हो रही थी और कहती कि मैं जब मसलन और तो कहती पहले मैं कहीं और हिफ्स कर रही थी मैंने एक और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो वो जो हमारे हिफ्स के टीचर थे उन्होंने कहा कि आपने किसी भी नाम महरम को आंख भर के भी नहीं देखना यानी इवन जो आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपके साथ गाड़ी में कोई आदमी आए या आपका लॉन्ड्री मैन है या आप किसी को मसलन चेकआउट पे हैं बैंक में पोस्ट ऑफिस आपने नजर भर के नहीं देखना क्यूँकि गज बसर जो है यानी अपनी निगाहों की हिफाजत झुका के रखना इससे आपको हिप्स में हेल्प होगी और वो कहती है कि जब और कहती तब मैंने रियलाइज किया कि मसलन मैं मैं जैसे मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे तो तो देखती साथ वाली गाड़ी में कौन है उस गाड़ी में कौन है हम चेकआउट पर जा, जाते हैं तो उसको देखना शुरू कर देते हैं पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो उसको देखना शुरू लेकिन हम रियलाइज नहीं करते ना ये बातें तो इसलिए आप देखें ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत करें तभी हमें ईमान की हलावत मिलेगी अगर हमें हिफ्स में मुश्किल हो रही तो जरा सा देखें आपकी आंखें और कान कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे बिल्कुल एग्जैक्टली तो उसमें ना मदर्स को चाहिए कि अपनी बेटियों को गाइड करें कि इमाम से इम्प्रेस हो गई या किसी स्कॉलर से फैसिनेट करना शुरू कर देती है और आप देखें कि वो इंसान है फिर उनसे कोई गलती होगी तो बच्चे गुमराह हो जाते तो बच्चों के रोल मॉडल्स वही होने चाहिए जो अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिए और वो कौन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम और सहाबा कराम फिर एक और जो बसारत का शर है वो क्या है कि हमें आप देखिए एक तो बसर होता है ना जो हम फिजिकली आँख से देखते और एक होते डीप आए तो अल्लाह हमें तदबर वाली नजर दे वो नजर नहीं जो हर वक्त लोगों की ऐप चुनती रहे ये भी आप देखें कि इन डेप्थ होता है कि जैसे हम किसी के घर गए और किसी को भी पता नहीं चल रहा और हमें पता चल गई कोई बात क्योंकि हमारे अंदर वो सलाहियत है और हम उसको गलत यूज कर रहे तो अल्लाह ताला हमें उस इन डेप्थ जिसको कहते ना स्क्रूटी स्क्रूटनी करने से बचाए कि हम लोगों के ऐप तलाश कर लें फौरन हमें नजर आ जाए यानी हम ऐसे हों कि हम इग्नोर कर दें ओवर लुक कर दें और ये अपनी सलाहियत जो है अल्लाह ताला की कायनात में और अल्लाह ताला की निशानियों को सीखने में और उन अल्लाह का कुर्ब हासिल करने में अपनी बसीरत लगाए फिर इसके बाद है वो मिनशानी जबान का शहर ये तो सबको पता है क्या क्या शहर है जबान का मसलन गिबत है चुगली है झूठ है धोखा है फिर दूसरे का दिल दुखाना है टॉन्ट करना टीज करना यानी सारी बुराइयां जो जबान से हो सकती और इसका इलाज क्या है खामोशी चुप करो, रोजा रखें अब देखें कल भी हम बात कर रहे थे ना कि थिंक बिफोर यू स्पीक आप एक दफा सोचें आप क्या बोल रहे क्या ये वाकई इतनी अच्छी बात है कि आपको बोलनी चाहिए क्या दिल दुखाने वाली बात तो नहीं क्या ये बात ऐसी है कि आपको पता है कि अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह नाराज नहीं होगा अल्लाह की नाराजगी की बात नहीं है यानी मैं कहती हूँ सिर्फ एक जुमला चले छोड़े बाकी सब चीजों को एक जुमला आप अपने आप से पूछें हर बात करने से पहले कि अल्लाह सुन रहा है मैं जो बोलने लगी हूँ हमारी बातें ना खुद ब खुद फिल्टर हो जाएंगी फिर इसके बाद जी हाँ बगैर सोचे समझे बोलते जाना ना मसन उसका सर है ना पैर है फिर इसके बाद भी और दिल के शर से अब आप देखें दिल में कौन कौन सा शर है आमरा आपको क्या परेशानी है मैं दुआ कंप्लीट कर लू फिर मैं आपके सवाल के जो आप मुझे बताइए यहाँ इसका क्या ताल्लुक है कार्टून से आप जो सवाल बार बार पूछ रही हैं तो हम रे शर कल्प ही आप देखें कल्प का शर क्या होता है जैसे मसलन शर्क मुनाफकत हसद, कीना दिल में नेगेटिव किसी के लिए फीलिंग्स होना हसद बिल्कुल तो अल्लाह ताला हमें दिल के शर से बचाए क्योंकि अगर हमारे दिल में ये शर होगा तो फिर क्या होगा उसमें ईमान नहीं जा सकता तो आप देखें कि जैसे किसी के लिए दिल में नेगेटिविटी बिठा के रखना तो उससे ये होगा कि इवन ये चीज मरने के बाद भी हमें नुकसान देगी फिर इसके बाद तो मनी और शहवत की बुराई से यानी मसलन ऐसी चीजें जो इंसान के अंदर बुरी ख्वाहिशा जिस, जिसको आप कहते हैं कि सेंसुअल डिजायर जो होती है वो पैदा करें यानी वो हराम की तरफ अट्रैक्ट हो जैसे आप देखें मसलन किसी औरत का किसी अपनी दोस्त के शोहर के बारे में देखें उसके हस्बैंड कितने हैंडसम यानी ये ना आपकी मन शहवत का शर है आप क्यों किसी नामहरम की तरह तारीफ करें या मसलन किसी शोहर का कहना कि वो मेरे दोस्त की बीवी बड़ी खूबसूरत है यानी ऐसी बात जो है एक ईमान वाले को बिल्कुल जेबा नहीं देती अब आप देखें कि मैं ये सोचती हूँ कि मसन हमें अः कौन हमारे रोल मॉडल है ना अल्लाह के रसूल और साहबा राम आप देखें कि आप सीरत की किताबें देख लें आप अदीस देख लें कहीं पर आपको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी नामहरम औरत की तारीफ की हो इस तरह से यानी उनकी खूबियों की सिफात की उनके दीन की की लेकिन इस तरह से नहीं फिजिकल यानी ब्यूटी की कभी तारीफ नहीं की फिर सहाबा कराम को देखे कि सहाबा कराम ने भी कभी इस तरह की और आप देखें हम हमारे लिए कितनी ये चीजें और बाकायदा शादियों से आके दावतों से आके बैठ के, के तबसरे होते हैं वो देखो कितनी स्मार्ट है उन्होंने बड़ा अपने आप को मेनटेन रखा है वो वो उसके भाई को देखा था वो तो लगता ही नहीं चालीस साल का आई I मीन mean, ये लव बातें और ये सारा शहबत का शर है कोई भी ऐसी चीज जो आप ऑपोजिट जेंडर के बारे में बहुत कंफर्टेबली बोलते हैं वो शहबत का शर होता है अल्लाह ते महफूज रखे ये जो दो है ना वो मिनशर लानी और मिनशर मनी इन दोनों के शर से बचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो चीजों के बारे में कहा था कि अगर तुम मुझे इनकी हिफाजत की, की गारंटी दो तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता यानी जबान और शर्म का तो ये जबान और शर्म का की जो हिफाजत कर लेता ना उसके लिए आप अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी और जो इन्हीं चीजों को मिस यूज करता है फिर वो दूसरी तरफ जाएगा तो अल्लाह सुबहाना ते दो देखें ये हमारी ना फैकल्टीज है आप अगर एक मिनट देखें इन सब को समाज बसारत जबान दिल अब ये क्या है कि ये सारी हमारी फैकल्टीज ऑफ लर्निंग है इनसे हम सीखते हैं इनसे हम सिखाते हैं और फिर इसी तरह जो हमारी अल्लाह uh, ने एक नीड रखी सेंस डिजायर जो है वो किस लिए जरूरी है ताकि औलाद हो और फिर इंसान की नस्ल बढ़े और वो सारी चीजें यानी एक प्रोडक्टिविटी के लिए अल्लाह ताला ने वो नीड रखी इंसान की अब अगर इन चीजों को शर का पहलू गालिब होगा तो फिर क्या होगा फिर इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी को गलत चीजों में लगाएगा और अल्लाह की नाफरमानी की तरफ जाएगा फसाद होगा बिल्कुल तो इसलिए बड़ी बहुत जरूरी ये दुआ है क्योंकि ये हमारी सलाहियत कुतें हैं इन्हीं से हमारी सलाहियत कुतें जन्म लेती हैं और अगर यही मिस यूज होंगी कहीं भी फिर आप देखें एक और एंगल से आप इस दुआ को देखें कि हिदायत के जराए भी यही सारे हैं ठीक है आप देखें कुरान दिल पे नाजिल हुआ फिर कुरान से हिदायत के लिए सुनना जरूरी है कुरान को समझने के लिए बसारत जरूरी है कुरान हमारे दिल और रूह पर असर करे उसके लिए जबान से इसकी तिलावत जरूरी है और कुरान के अहकाम पर अमल करने के लिए इंसान के लिए पा, के पाक दामन होना जरूरी है तो मसन आप सोचे कितनी ये जरूरी दुआ है आपको खुद भी मांगनी चाहिए और बच्चों को भी सिखाए आप देखें कि वही बात है कि बाज अगर तो चॉइस है तो फिर मतलब अलग पढ़ाए सबसे अच्छा लड़के अलग पढ़े लड़कियां अलग पढ़े लेकिन मैं कहती हूँ कि उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों के अंदर अल्लाह का डर और तकवा पैदा करें क्योंकि आप कहाँ कहाँ पर उनको डिस्क्रिमिनेट करेंगे ना कहाँ कहाँ अलग करेंगे चले स्कूल कॉलेज में कर दिया फिर क्या होगा प्रोफेशनल लाइफ में क्या करेंगे फिर बाद में जो उठे बैठेंगे जगहों पे जाएंगे वहां आप क्या करेंगे तो इसलिए आप देखें कि आइडियल तो यही है जैसे मुझे मैं कहती हूँ कि बहुत सारे शर्त से बच जाते हैं जब ऐसी सेपरेटेड एजुकेशन होती है लेकिन ये कि उसके साथ साथ अल्लाह का डर भी होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप हर जगह उनके साथ नहीं होंगे लेकिन अल्लाह तो हर जगह है ना बच्चों के अंदर ये एहसास अगर आ जाएगा ना कि अल्लाह मुझे देख रहा है अल्लाह सुन रहा है अल्लाह को पता है तो फिर कभी भी वो बुराइयों की तरफ माइल नहीं होंगे और फिर आपकी दुआएं ये बहुत इम्पोर्टेंट है चलिए यहाँ पे इंशाल्लाह हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं बारी को चलिए एक दो स्टूडेंट को मैं ले लेती हूँ आप लोग पढ़ दुआ इस दुआ को और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम कंक्लूड करते हैं अपने सेशन को ठीक है चलिए एक दफा क्लियर करती हूँ फिर आप हाथ खड़े करें, करें। आपकी आप पना मांगती हूँ मिन समई अपने कान की बुराई से वमिन शर बसरी और आँख की बुराई से वाम लिसानी और जबान की बुराई से और दिल की बुराई से वमन शर मनी मनी ही और शहूद की बुराई से सॉरी की बुराई से कोई बात नहीं वर्ड है ना अच्छा इसमें आपने पूछा है कि अगर हम अपने रिलेटिव्स को मिलते हैं जो भाइयों की तरह फिर भी आप देखें कि भाई की तरह हो ना वो ये रिस्पेक्ट के उसमें होता है लेकिन ये कि आप उनको कॉम्प्लीमेंट ना करें क्योंकि यही चीज जो है ना शैतान का रास्ता खोलती है और फिर ये कि एक रिस्पेक्ट का और एक जैसे वो अच्छे अखलाक का एक जो होता है और फिर ये कि बहुत ज्यादा फ्रेंकनेस भी ना हो हंसी मजाक नहीं होना चाहिए ना महरम के साथ एक डिस्टेंस रखें और ये बात अल्लाह ताला को पसंद है बस ये सोच के करें जी द्विवेदी आप पढ़िए अल्लाहुम्मा इन्नी आऊजू बिका आल्लामा आपकी पना मांगती हूं मि शरि समी अपने कान की बुराई से बसरी और शहवत की बुराई वह ये, ये शहवत क्या होती शहवत जो है ना ये जो सेक्चुअल डिजायर्स होती है उसको कहते हैं उसके नतीजे में इंसान जो हरकतें करता है ना यानी एक सेक्स की जो डिजायर होती है उसकी तरफ इशारा है यहाँ पर

और आँख की बुराई से वमिन शर लसानी और ज़ुबान की बुराई से वमिन शर कल और दिल की बुराई से वमिन शर मनीजी और शहूद की बुराई से शहवत की बुराई से शहवत की बुराई से ठीक अच्छा इसमें आपने पूछा ना कि बच्चे अगर टिकटॉक बने तो उनको कैसे रोके आप देखें कि बच्चों से ना बात करें कि क्यों वो ऐसे करें तो उनके साथ कम्युनिकेट करें उनसे कहें कि मसलन इससे फायदा क्या होगा अच्छा चलो दुनिया में फायदा ये बताओ इसका आखिरत में क्या फायदा थोड़ा सा ना बच्चों से क्वेश्चनिंग करें फिर अगर आपको लगे कि वो मतलब थोड़े जिद्दी हो गए नहीं बात सुन रहे या मान रहे फिर आप अल्लाह से दुआएं शुरू कर दें और बच्चों को कहें कि ये दुआ ये दुआ बच्चों को सिखाएं कहते सब बच्चों को ये दुआ सिखाएं ताकि अल्लाह साल इतने ज्यादा आप यकीन करें फितने हैं अब जैसे मैं सोचती हूँ कि हम लोग जब स्कूल कॉलेज में थे आज से बीस साल पहले पच्चीस साल पहले तो मसलन ऐसी चीज़ें तो हमने सोची भी नहीं थी और देखी भी नहीं थी जो कुछ आजकल जितने फितने हैं लेकिन फिर एक चीज हमेशा याद रखें कि दुआ जो है ना वो बहुत ताकतवर चीज है मसलन मैं देखती हूँ कि जो माँ बाप अल्लाह ताला से अपने बच्चों की हिदायत और ये कि वो नेक और सौले रहे उसकी दुआएं मांगते हैं इस शर के दौर में भी उनके बच्चे इतने नेक है माशाल्लाह यानी यूनिवर्सिटियों में भी जा रहे हैं कॉलेजेस में जा रहे हैं और कोई बुराई नहीं उनके अंदर तो ये सिर्फ ना माँ बाप की दुआओं का नतीजा होता है आप कभी अल्लाह ताला से मायूस ना हो माशाल्लाह आज कल रमज़ान का महीना है खूब अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत का रास्ता दिखा दे या अल्लाह इनको नेक और सौले बना दे या अल्लाह इनको सहाबा कराम जैसा बना दे या अल्लाह उनका रोल मॉडल फॉलो करने की तोफीक दे या रसूल का ताद करने वाला बना दे खूब दुआएं मांगे यानी जो आपका दिल करता है ना आपके बच्चे जैसे हों आप वैसा करते हैं आप देखें कि मैं तो अपने स्टूडेंट्स के लिए इतनी दुआएं मांगती हूँ और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला नेक और सॉलिड स्टूडेंट्स अता आता यानी जब भी हम कोई कोर्स डिजाइन करते हैं ना तो मेरी एक दुआ होती है और माशाल्लाह मैंने देखा कि हमेशा इतने अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं और इतने शौक से सीखने वाले और इतनी मोहब्बत इतनी इज्जत देने वाले तो मैं कहती तो ये सब ना दुआ का नतीजा होता है कि मैं हर कोर्स से पहले ये दुआ मांगती हूँ अल्लाह नेक और साले स्टूडेंट होता फरमाना तो, तो इसलिए आप जो है वो आप देखें कि जो खूनी रिश्ता नहीं उसके हक में दुआएं कबूल होती हैं तो आप अपनी औलाद के लिए करेंगे तो नहीं अल्लाह करे मायूस ना हो बस मांगते रहे मांगते रहे चलिए मैं मे, आप मेरी आप ठीक होगी थी फिर मेरी आवाज खाम में कि नहीं चले खैरन चलिए अलहमदुल्ला बारीक माय डियर सिस्टर्स इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी एक नई दुआ के साथ और मैं इनशाला इसकी हदीस आप लोगों को कल दिखा दूंगी जैसे कुछ सिस्टर्स स्क्रीन वगैरह लेती तो ताकि आप लोग फिर हदीस वगैरह लिख लें अपने पास ठीक है سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته